नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है प्रदीप, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी। दोस्तों इस वीडियो में जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, जो बातें आपको बताऊंगा, जो चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा, वो आपके हमेशा काम आएगी। अगर आप एक पीएफ अकाउंट होल्ड रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरी देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एग्जाम्प्टेड कंपनी का पेंशन का पैसा कैसे विड्रॉ करें। मैं आपको दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा, अच्छी तरह से समझाऊंगा कि अगर आप किसी एग्जाम्प्टेड कंपनी में काम करते थे पहले, यानी कि छूट प्राप्त संस्था में काम करते थे, अब आपने वो कंपनी छोड़ दी और आपका जो पेंशन का जो पैसा रहता है उसको कैसे विड्रॉ कर सकते हो। अब जो एग्जाम्प्टेड कंपनियां रहती है, यानी कि जो छूट प्राप्त संस्था रहती हैं, उनके जो कर्मचारी है, उनके जो एम्प्लॉई है, वो उनके पीएफ का पैसा वो खुद मैनेज करती हैं, बट पेंशन का पैसा वो मैनेज नहीं करती। काफ़ी सारे भाई जब पेंशन का पैसा विड्रॉ करने के लिए कहते हैं उनको, तो वो कहते हैं कि भाई हमारे पास आपका पेंशन का पैसा नहीं है, ईपीएफओ के पास है, आप ईपीएफओ से बात कीजिए। तो काफ़ी सारे भाई कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। बट उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये बात बिल्कुल सच है कि आप एग्जाम्प्टेड कंपनी में जब आप काम करते हैं तो आपका पीएफ का पैसा ही वो मैनेज करते हैं, पेंशन का पैसा मैनेज नहीं करते। अब पीएफ का पैसा जब आप कंपनी छोड़ देते हैं तो पीएफ का पैसा तो उनकी जो छूट प्राप्त जो कंपनियां हैं, जो एग्जाम्प्टेड कंपनियां, उनकी वेबसाइट से आप विड्रॉ करने के लिए अप्लाई कर सकते हो, या फिर उनका जो भी पीएफ डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, उनको बोलोगे तो जो भी प्रोसेस रहता है वो आपको बता देते हैं। तो पीएफ का जो पैसा रहता है वो तो वहीं से विड्रॉ हो जाता है। पेंशन का पैसा आपको कहाँ से मिलेगा? पेंशन का पैसा आपको मिलेगा ईपीएफओ का, ये जो यूएन मेंबर का पोर्टल है, यहाँ से। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आ गया हूँ ईपीएफओ का, ये जो यूएन मेंबर का पोर्टल है, इस पर। और यहाँ पर पासबुक का पोर्टल भी ओपन कर लिया है, पूरी अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा और आपको दिखाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है डिटेल मेंशन करके लॉगिन कर लेता हूँ यूएन मेंबर पोर्टल पर। यहाँ पर मैंने पूरी डिटेल मेंशन कर दी है, मैं कर लेता हूँ साइन इन, सक्सेसफुली साइन इन हो गया है, इसको कर देते हैं लेटर। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर व्यू पर जाते हैं, सर्विस हिस्ट्री में मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो कंपनी है ऊपर वाली, ये एग्जाम्प्टेड यानी कि छूट प्राप्त संस्था है, कैसे पता चलेगा? डिटेल्ड व्यू में जाते हैं और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा पीएफ एग्जामिनेशन, यहाँ पर एग्जाम्प्टेड, एग्जाम्प्टेड और पेंशन में देख सकते हो अननो आ रहा है, यानी कि पेंशन का पैसा जो है ईपीएफओ में जमा हो रहा है, ओनली पीएफ का पैसा कंपनी मैनेज कर रही है। अब ये जो कंपनी है दूसरी वाली, यहाँ पर देख सकते हो इसमें पीएफ एग्जामिनेशन में अननो आ रहा है और यहाँ पर अभी अननो आ रहा है, यानी कि ये कंपनी जो है छूट प्राप्त संस्था नहीं है, इसी वजह से दोनों में अननो अननो आ रहा है, यानी कि पीएफ का और पेंशन का पैसा ईपीएफओ मैनेज करता है, इस तरह से आप पता कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं आपको लॉग आउट कर देता हूँ और यहाँ पर ये जानकारी आपको दिखानी थी। अब यहाँ पर पासबुक का जो पोर्टल है, यहाँ पर लॉगिन करके मैं आपको यहाँ पर अच्छी तरह से समझा देता हूँ। यहाँ पर मैंने पूरी डिटेल मेंशन कर दी है, मैं कर लेता हूँ लॉगिन और यहाँ पर देखें सेलेक्ट मेंबर आईडी, यहाँ पर मैं जो है पीएफ मेंबर आईडी सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने पीएफ मेंबर आईडी सेलेक्ट कर ली। अब यहाँ पर अगर पासबुक देखेंगे तो यहाँ पर दिखा रहा है पासबुक नॉट अवेलेबल, क्योंकि ये जो है कंपनी एग्जाम्प्टेड है, पासबुक आप नहीं देख सकते। अगर किसी छूट प्राप्त संस्था में काम कर रहे हैं, जो कंपनी एग्जाम्प्टेड है, खुद का ट्रस्ट है, उसकी पीएफ की पासबुक भी आप नहीं देख सकते, तो यहाँ पर पासबुक नहीं दिखाई दे रही। और अब यहाँ पर इन्होंने जो है अपना पीएफ का पैसा निकाल लिया, पीएफ का पैसा कंपनी से निकाल लिया, कंपनी में बात करके, और पेंशन का पैसा ईपीएफओ से निकाल लिया। अब यहाँ पर देखें व्यू क्लेम स्टेटस पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर इनका जो है, यहाँ पर सिर्फ टू सिर्फ फॉर्म 10C अप्लाई हुआ है, देख सकते हो 10C पेंशन का पैसा विड्रॉ हुआ है। पहले एक बार ट्राई किया था, यहाँ पर 10C रिजेक्ट कर दिया ईपीएफओ ने, और एक बार जो है ट्रांसफ़र करने के लिए रिक्वेस्ट करी थी उसको रिजेक्ट कर दिया था ईपीएफओ ने। तो यहाँ पर देख सकते हो फॉर्म 19 इन्होंने अप्लाई नहीं किया, ओनली फॉर्म 10C अप्लाई किया। इसका मतलब ये है कि फॉर्म 19 जो आपकी कंपनी रहती है, जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, जो एग्जाम्प्टेड ट्रस्ट कंपनी है, वहाँ पर आपको अपना पीएफ का पैसा निकालना है, विड्रॉ करना है, उनसे बात करके, उनका जो भी वेबसाइट है, पोर्टल है, और फॉर्म 10C यहाँ पर आपको अप्लाई करके अपना पेंशन का पैसा विड्रॉ कर लेना है जब आप कंपनी छोड़ देंगे तब, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को आपको दिखाने का मतलब यही था कि देखिए यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर 10C जो है क्लेम सेटल हुआ है, पहले जो है रिजेक्ट हुआ था एक बार, उसके बाद यहाँ पर देखिए दोबारा से अप्लाई किया तो यहाँ पर सेटल हो गया, और देख सकते हो फॉर्म 19 कहीं पर भी अप्लाई नहीं कर रखा। अब फॉर्म 10C कैसे अप्लाई करना है, यहाँ पर देखिए ईपीएफओ का ये जो यूएन मेंबर का पोर्टल है, इसको ओपन कर लेना है, यहाँ पर डिटेल मेंशन करके साइन इन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ऑनलाइन सर्विसेज, और यहाँ पर क्लेम फॉर्म 3119 10C एंड 10D, इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट नंबर मेंशन करके वेरीफाई करना है, और जो सेम प्रोसेस रहता है फॉर्म 10C का, वो आपको अप्लाई कर देना है। ये वाली वीडियो देख लेना, इसमें मैंने आपको बताया कि फॉर्म 10C कैसे अप्लाई करते हैं। तो बस ये जानकारी आप सभी को देनी थी कि अगर आप किसी एग्जाम्प्टेड कंपनी में छूट प्राप्त संस्था में काम कर रहे हैं, जिनका खुद का अपना ट्रस्ट है,
उनके जो कर्मचारी है, उनके जो एम्प्लॉई है, उनका पीएफ का पैसा वो मैनेज करते हैं। तो पीएफ का पैसा आपको अपनी कंपनी से मिलेगा, पेंशन का पैसा आपको ईपीएफओ का, ये जो यूएन मेंबर का पोर्टल है, यहाँ से आपको फॉर्म 10C अप्लाई करना पड़ेगा। तो बस आज की वीडियो में इतना था, मैं प्रदीप, फिर मिलता हूँ इस तरह की हेल्पफुल नॉलेज एक और नई जानकारी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। मेरे से अच्छी तरह से जुड़ना चाहते हैं तो मेरी जो इंस्टाग्राम ट्विटर आईडी है जिसका नाम है आई प्रदीप शर्मा, मेरे को फॉलो कर लेना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, बाय, टेक केयर।